नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, ये कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण नहीं। आज हम बात करेंगे वो मूलभूत विषय जिस पर ये तंत्र चल रहा है, ये जो हमारा अघोर तंत्र रहस्य परिवार है वो चल रहा है, और वो है साबर मंत्र। साबर मंत्र के बारे में पिछले 1.5 साल में मैंने ये समझा कि आप में से बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि साबर मंत्र और जो वैदिक मंत्र है दोनों में अंतर क्या है। साबर मंत्र का प्रयोग हम क्यों करते हैं वैदिक मंत्र के अलावा? देखो, साबर या शाबर दोनों बोलते हैं। साबर मंत्र जो है वो सबर ऋषि के नाम पर आया, जो नाम है वो सबर ऋषि के नाम पर आया, और कहा जाता है कि शुरुआत में साबर मंत्र की रचना जो है वो सबर ऋषि ने की थी, और जो कलयुग में साबर मंत्रों की रचना हुई वो नवनाथों ने की। विश्वामित्र के ज्येष्ठ 50 पुत्र, उसी के श्राप से आंध्र, पांडु, शबर, पुंडी, मुतीब आदि मलेच्छ कहलाने लगे। ये लोग दक्षिण भारत में रहते थे। महाभारत के अनुसार ये लोग पहले क्षत्रिय थे, और साबर जो शब्द है वो एक तरीके का सबर शब्द, वो एक तरीके का जाति सूचक शब्द माना जाता था। ठीक है, जो आपने सबरी, एक रामायण में सबरी का आप लोगों ने वर्णन सुना होगा, जो सबरी थी वो भी इसी साबर जाति से आती थी, इसीलिए उनका नाम सबरी हो गया। देखो, जो वेद है, यजुर्वेद हो या अर्थवेद हो, इसमें बहुत तरीके का प्रयोग बताया हुआ है, कई कांड बताए हुए हैं जिसमें अभिचारक, वशीकरण, मारन, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, विद्वेषण, जितने भी तरीके के तंत्र हम साबर से करते हैं वो सारे विधान दिए हुए हैं। लेकिन साबर मंत्रों का प्रयोग कलयुग में इसलिए ज़्यादा होता है कि वैदिक मंत्र, देखो वैदिक मंत्र का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, वो है दुर्गा सप्तशती, या कोई भी जो वैदिक मंत्र है वो किल्लित रहता है। कहा जाता है कलयुग में महादेव ने सारे तंत्र को किलित कर रखा है, सिर्फ साबर और स्त्री तंत्र को छोड़ के, इसीलिए हम लोग साबर तंत्र की तरफ बढ़ते हैं। साबर तंत्र क्यों करते हैं? साबर मंत्र आम जनमानस के लिए बहुत आसान हो जाता है। साबर मंत्र में क्या है, आपको संस्कृत की जानकारी होना ये आवश्यक नहीं होता है, वो बोलचाल की भाषा में होता है। जैसे मैंने आप लोगों को कई मंत्र दिया है, वो सारे मंत्र जो हैं वो बोलचाल की भाषा में। दूसरा, बहुत लोग, जब मैं आप लोगों को मंत्र देता हूँ, ये विशेष करके आप लोग सुनिए इस विषय को, जब मैं आप लोगों को मंत्र देता हूँ तो आप लोग बोलते हो कि गुरुजी शुद्ध उच्चारण क्या होगा। आज भी हमारे एक गुरु भाई थे, उन्होंने पूछा कि ये ध होगा कि द होगा। देखो, साबर मंत्र का जो बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें व्याकरण सही हो, शब्द उच्चारण सही हो, ये नहीं संभव है, लेकिन जो आपके गुरु ने आपको दे दिया वही उच्चारण सही माना जाता है। साबर मंत्र में जैसे अगर आप कोई भी संस्कृत का मंत्र करते हैं, वैदिक मंत्र करते हैं, तो उसमें विनियोग करना होता है, न्यास करना होता है, छंद करना होता है, ये सब साबर मंत्र में नहीं है। सीधे बैठिए, देवता का आह्वान कीजिए, पूजा शुरू कीजिए, और बोलचाल की भाषा है ना। जैसे कौन सा मंत्र बता दूं, ऐसा साबर मंत्र के उद्घोषणा से क्या होता है कि वो जो प्रभाव है मंत्र का वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो साबर मंत्र जनरली पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए। जो हम आप लोगों को बताते हैं वो तोड़ तोड़ के बताते हैं। जैसे एक मंत्र है, बामत देविया बड़ उड़ दे गया। ठीक है, बामत देविया बड़ उड़ दे गया, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, लेकिन जहाँ की बोलचाल की भाषा में ये मंत्र है उसका एक अर्थ निकलता है। और आप, अब जैसे मैं झारखंड में रहता हूँ, मेरा एक डायलेक्ट है, मैं उसी हिसाब से इस शब्द का उच्चारण करूँगा। जहाँ का ये मूलभूत भाषा होगा
वहाँ हो सकता है बामन देव या वरुण देव या किसी और तरीके से बोला जाता हो, ठीक है। इसीलिए साबर मंत्र में व्याकरण और उच्चारण पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। साबर मंत्र करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको स्नान करना होगा या फिर यज्ञोपवीत धारण करना होगा, ठीक है। आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में भगवान की पूजा करें, ये साबर मंत्र की खासियत होता है। साबर मंत्र में सीधे देवता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और गुरु की शक्ति से ही आप साबर मंत्र को सिद्ध करते हैं। एक इसमें ऑप्शन होता है, एक मंत्र मैंने आप लोगों को दिया है कि अगर गुरु नहीं है तो साबर मंत्र कैसे सिद्ध करें, लेकिन गुरु कृपा ही केवलम जो बोला जाता है वो साबर मंत्र के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि गुरु आपको जो गुरु परिवार में सिद्ध मंत्र है जिस व्याकरण के तहत सिद्ध है और जिस तरीके से उसको बोला जाता है वो बता सकता है। तो गुरु कृपा बड़ा जरूरी होता है साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए। जो साबर मंत्र है उसको समझना है तो आप एक चीज समझो कि उसमें किसी ना किसी की दुहाई होगी, चाहे तो गुरु की दुहाई होगी या माँ कामाख्या की दुहाई होगी, रामचंद्र की दुहाई होगी, किसी नाथ की दुहाई होगी, किसी सिद्ध की दुहाई होगी। तो देवताओं को सौगंध में बांधते हैं जब साबर मंत्र करते हैं। साबर मंत्र करने वाले साधक को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप भिखारी नहीं होते हैं, ठीक है। भिखारियों की तरह साबर मंत्र नहीं करना होता है कि हमें क्या कहते हैं ये दे दो, हम आपके बड़े कृतज्ञ रहेंगे। देवताओं को ऐसे नहीं बोलते। साबर मंत्र के जो साधक होंगे उनको घमंडी होना पड़ता है, अपनी साधना पे आपको घमंड होना चाहिए तभी साबर मंत्र काम करता है। बिना रीढ़ के हड्डी वाली जो साधक होंगे वो कभी साबर मंत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। एक अहम होना चाहिए साधक को कि मेरे पास सिद्धि है, मैं सिद्ध कर रहा हूं, इस देवता को आना होगा। अब जैसे क्या है, वैदिक मंत्र में है कि देवता को आप खुश करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मेरा ये कार्य कर दीजिए, आप को ये नैवेद्य दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, और तरी तरीके के भांति से आप लोभित करेंगे। एकदम उल्टा होता है हमारे साधक में। जो देव है सिर्फ महाकाल, महाकाली और भैरव के अलावा सबको सेवक के रूप में आज्ञा दी जाती है, और उसके बाद जो देव ना पधारे ओम फटकार इतना नामनाथ मंत्र संपूर्ण भया, मतलब अगर देव ना पहुंचे तो उनको फटकार भी मिलती है और चुनौती भी देते हैं ना, जैसे उठ रे हनुमान, 64 जोगिनी चलो, अरे नरसिंह वीर डाकन की नाक काट, ऐसे मतलब जोश से भरा हुआ था साबर मंत्र। एक ही चीज है साबर मंत्र में, जैसे मैंने अभी हाल के वीडियो में बताया था कि जो योगिनी का ज्ञान होता है ना कि 64 योगिनी, 64 योगिनी वो किस नक्षत्र में बैठी हुई है वो जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। भाषा में अलग अलग तरीके के साबर मंत्र आते हैं और थोड़ा जो भाषा होता है साबर मंत्र का वो उच्चिष्ट होता है, वो बहुत सम्मानजनक नहीं होता है। तो इसीलिए साबर मंत्र आराम से करिए, समझ में आए नहीं आए गुरु ने जो शब्द बोला वही कर लो। क्योंकि देखो, आप चाहे तो नेपाली भाषी हो सकते हो, आप हिंदी भाषी हो सकते हो, आप बंगाली हो सकते हो, आप मराठी हो सकते हो, भारत के भिन्न भिन्न भाषाओं के आप ज्ञाता हो सकते हो, उर्दू के हो सकते हो। साबर मंत्र मिक्सचर होता है, साबर मंत्र में हिंदी होता है, बंगाली होता है, गुजराती होता है, आसामी होता है, नागालैंड का भाषा होता है, उर्दू होता है, पंजाबी होता है, नेपाली होता है, कम से कम इतना होता है, और बाद के दिनों में इसमें मराठी भी जुट जुट गया। तो इतने भाषाओं को मिला करके जो साबर मंत्र होता है, आप अगर सोचोगे कि आप उसका मतलब और सही सही उसका प्रोनाउंसिएशन कर लोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। इतने विषयों को अभी ध्यान में रखो, फिर दूसरा वीडियो इस पे बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें आसन बंधन, दिशा बंधन, जितनी तरीके का बंधन होता है गुरु मंत्र से पहले आपकी तैयारी पूरी करवा दी जाएगी। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ@tm4 मेरा प्रोफाइल है, उसमें क्लिक करिए, आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.agurtantras.xyz पर चले जाइए। माँ भगवती
और भगवान दत्तात्रेय आप लोगों को सफल साधक बनाए, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश, अलख आदेश।